आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक है, सुबह 11:30 बजे के आसपास ये बड़ी बैठक होगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। मनीष सिसोदिया के घर पर यह बड़ी बैठक होने वाली है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज सुबह 11:30 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। मनीष सिसोदिया के घर पर इस बैठक का आयोजन होगा और आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज मनीष सिसोदिया के घर पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। लगभग 11:30 बजे के आसपास ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंथन किया जाएगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मनीष सिसोदिया के घर पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आज मनीष सिसोदिया के घर पर होने वाली है, आम आदमी पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंथन भी यहां पर इस बैठक में होने की उम्मीद है, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल साहिल, मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल के बाहर आए हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है, जिसको लेकर हमने देखा कि मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा जो है वो आरंभ की और अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 11:30 बजे मनीष सिसोदिया के घर पर ही आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें निश्चित तौर में फरवरी के महीने में जो दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है उस पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी प्रचार करेगी और कैसे उनकी रणनीति रहेगी। इसके अलावा कल हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, आखिर उनकी टूट की क्या वजह थी और आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के बीजेपी में जाने के बाद आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा उस पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि निश्चित तौर पर यह जरूर है कि विधानसभा चुनाव भले ही फरवरी में हो दिल्ली के अंदर, लेकिन उसकी जो सरगर्मियां हैं वो अभी से ही दिल्ली के अंदर शुरू हो गई हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की खासतौर पर बात करें, जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, अरविंद उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो अगर जेल में से अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर आते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए पावर बूस्टर का काम वो करेंगे, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाए तो फिर पार्टी का जिम्मा कौन संभालेगा, कैसे चुनावी प्रचार होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, उन्हीं सब बातों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल नमित, और हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां पर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हालांकि मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को एक बड़ी मजबूती यहां पर दोबारा से मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो अभी जेल में हैं। उनका बाहर आना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, और अगर विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना है तो उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत अहम है। और ऐसे में अब लगातार हम मंथन तो देख रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की जगह आखिर लेगा कौन। देखिए बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी अगर हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद पूरे देश के जहां राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान बात करें या फिर अभी हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार प्रचार करती हुई हमें नजर आ रही हैं, उनके साथ भगवंत मान हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो जो पार्टी के मेन रणनीतिकार हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो जेल के अंदर हैं। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है। हालांकि अभी अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो 23 अगस्त को सुनवाई हुई थी उसमें जो है सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय और दिया गया है, 2 सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2 मामलों में मुकदमा चला था, ईडी और सीबीआई। ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनको जमानत दे दी है, सीबीआई वाले मामले में वो अभी भी तिहाड़ जेल में है। अगर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई वाले मामले में उनको 5 सितंबर को जमानत मिलती है तो फिर अरविंद केजरीवाल के बाहर तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो पाएगा, लेकिन अभी यह कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इस 11:30 बजे जो बैठक होनी है उसमें बुलाया गया है, उसमें यह भी चर्चा होगी क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 5 पार्षद कल टूट कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उससे आम आदमी पार्टी को जब मेयर का चुनाव होगा सदन में वहां पर कितना नुकसान हो सकता है इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अब नंबर गेम में जो है वो बीजेपी का भी अच्छा खासा नंबर गेम मेयर चुनाव में देखा जाएगा।